आज रात 10 से 12 बजे के बीच देखिए दो नई कहानियाँ, एक जिसमें बचपन सही परवरिश और सहयोग से अछूता रह जाता है तो अपराध का ऐसा अंकुर फूटता है जिससे कोई एक नहीं बल्कि पूरा समाज घायल हो जाता है। दूसरी कहानी में हम देखेंगे कि कैसे एक झुंड एक प्रेमी जोड़े पर टूट पड़ता है, उन्हें मॉरल पुलिसिंग के नाम पर हैरेस करता है। इस हादसे से जुड़े लोगों में से कोई गायब हो जाता है और किसी की हत्या हो जाती है। पुलिस इस गुत्थी में उलझ कर रह जाती है कि ये हादसे इस मॉरल पुलिसिंग का नतीजा है या कोई और ही इसकी आड़ में कर रहा है अपराध। अंधेरा चाहे कितना भी घना क्यों ना हो लेकिन रोशनी की एक किरण ही उसे खत्म करने के लिए काफी होती है। इसी तरह इंसान का बचपन भी एक अंधेरे की खाई की तरह होता है। अगर सही परवरिश और सही दिशा की किरण ना मिले तो पूरा जीवन अंधकार में खो जाता है। एक बच्चे के लिए उसके माता पिता का साथ और सहयोग उतना ही जरूरी होता है जितना की सांस लेने के लिए हवा। और कभी कभी जब ये साथ और सहयोग दोनों ही नहीं मिलते तब अपराध का एक ऐसा अंकुर फूटता है जिसकी चपेट में आकर एक नहीं बल्कि पूरा परिवार और समाज सब घायल हो जाते हैं। वहां पीछे भी चेक करो। सर लगता है मौत सर पे चोट लगने की वजह से हुई है। गहरे जख्म है सर पे, यहां और यहां पीछे की तरफ। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ और फोरेंसिक टीम से कहना इस सूटकेस को अच्छे से चेक करें और आसपास पता करो कोई सीसीटीवी है या नहीं। ठीक है सर। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये बात कंफर्म हो चुकी है कि बच्चे की मौत इसी हेड इंजरी की वजह से हुई है और उसके गले में स्ट्रैंगुलेशन के निशान भी हैं। सर मौत की तारीख है 21 अप्रैल और समय है शाम के करीब 5 बजे। और सर एक बड़ी अजीब सी बात सामने आई है, बच्चे की बॉडी पे पुराने चोट के निशान भी हैं। ऐसा लगता है उसे पहले भी डंडे या बेल्ट से पीटा गया, यानी बहुत पहले से उसके साथ मारपीट हो रही थी। लोकेशन के आसपास कोई सीसीटीवी मिला? नहीं सर, लोकेशन के आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था लेकिन बच्चे की पॉकेट से ये पेपर मिला है। ये तो किसी डायरी का पेज लगता है। स्नेहा लाल 24 मार्च 2011, फेवरेट कलर रेड। इस पर 5 साल पुरानी डेट क्यों लिखी है और ये कागज का टुकड़ा उसकी जेब में क्या कर रहा था? दुबे सर हमारे पास स्नेहा लाल और डायरी के इस पेज के अलावा और कुछ भी नहीं है। एक काम करो, जिस लोकेशन पर ये डेड बॉडी मिली थी उसके आसपास पता करो स्नेहा लाल नाम की कोई औरत या लड़की वहां रहती। ठीक है सर। 24 मार्च 2011। क्या कर रहे हो ये? मैम मैम सॉरी सॉरी बेशरम, छी कितने गंदे लड़के हो तुम। दोबारा नहीं करूंगा। दोबारा? तुझे तो ऐसी सजा दूंगी कि दोबारा करना तो दूर से।
लग रहा है तू? ओ, अच्छे से साफ करना, अच्छे से। अरे अरे पापा जी, कर गंदा हो गया वो। प्लीज मुझे माफ कर दे। चुपचाप काम करो, गंदे कहेंगे। सर, बच्चे की बॉडी को अभी तक किसी ने भी क्लेम नहीं किया है। एक काम करो दुबे, उस बच्चे की फोटोग्राफ सभी पुलिस थानों में भिजवा दो, शायद कहीं से कोई क्लू मिले। ठीक है सर। अच्छा, ये स्नेहालाल के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, अभी तक इसके बारे में कोई लीड नहीं मिला। सर रख दो। सही है, फाइल्स मैंने पुलिस डेटाबेस से मंगवाई है। पिछले 5 सालों में जितने भी ऐसे केसेस हैं जिनमें स्नेहा नाम का जिक्र है, ये उनके रिकॉर्ड्स हैं। शायद इस स्नेहालाल का जिक्र भी इसमें कहीं हो। मुझे लगता है डायरी की इस पेज का और इस बच्चे की मौत का कोई ना कोई कनेक्शन तो है। सर, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जो पेपर हमें मिला है ये घर में पड़ा हुआ कोई पुराना पेपर होगा, बच्चे के हाथ लगा तो उसने अपने पॉकेट में रख लिया। दुबे, इस पर 5 साल पुरानी डेट लिखी हुई है, और अगर तुम्हारी बात सही है कि ये पेपर 5 साल पुराना है तो इतना पुराना पेपर कोई ऐसे संभाल के नहीं रखता। मुझे ऐसा लगता है कि इस कागज में और इस बच्चे की मौत में कोई ना कोई कनेक्शन तो है। क्या कर रहे थे इधर? चल गंदे लड़के। 2000 बार लिखने के बाद भी तूने वही किया ना? तेरे झूठ में अब और सहने वाली नहीं, ऐसा सबक सिखाऊंगी, तू ऐसे ही नहीं सुधरेगा। मम्मी प्लीज मेरी मदद करो ना, प्लीज मुझे कुछ सोच समझ नहीं आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ। रुक, अभी करती हूँ तेरी मदद में। मम्मी सॉरी, मम्मी मैं सॉरी, प्लीज मम्मी। गंदा लड़का गंदा लड़का गंदा लड़का हूँ। मम्मी गंदा लड़का क्या कर रहे हो ये? मैम कितने गंदे लड़के हो तुम। गंदा क्या कर रहे थे इधर? चल गंदे लड़के। ये देखिए, स्नेहालाल का जिक्र है इस केस में। स्नेहालाल सुसाइड केस? सर, बच्चे के शरीर पे जो टी शर्ट थी वो किसी लोकल ब्रांड की, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात पता चली है सर, इसके टैग पे लिखा है नॉट फॉर सेल। इसका मतलब कि ये टी शर्ट किसी प्रमोशन में फ्री में बांटी गई थी। जिस कंपनी की ये टी शर्ट है उनसे पता करो कि ये टी शर्ट कहाँ कहाँ बांटी गई थी। ठीक है सर। और दुबे, सर ये देखो, 5 अप्रैल 2011 को स्नेहालाल नाम की लड़की ने सुसाइड किया था, मतलब इस कागज पे जो डेट लिखी है उसके 2 हफ्ते बाद। आई एम श्योर ये वही लड़की है।
लेकिन सर 5 साल पहले के सुसाइड केस से एक 11 साल के बच्चे का क्या कनेक्शन हो सकता है? अब ये तो हमें इस केस से ही पता चलेगा। उस वक्त इसे इंस्पेक्टर मोहन श्रीवास्तव हैंडल कर रहे थे, वो अब रिटायर हो चुके हैं। एक काम करते हैं, मैं उनसे बात करता हूँ, तुम इस बच्चे की लीड को फॉलो करो। ठीक है सर। इस फैक्ट्री का इंचार्ज कौन है? सर मैं ही यहाँ का प्रोडक्ट मैनेजर हूँ सर। ये टी शर्ट आप ही की फैक्ट्री से बांटी गई थी? सर ये टी शर्ट तो हमने टीचर्स डे के प्रमोशन के लिए सारी स्कूल में बांटी थी सर। आपको चाहिए तो मैं उनकी लिस्ट दे देता हूँ। क्या रे केशव, चल दिया? कुछ भी मत बोलो यार, पेशाब करने जा रहा हूँ मैं। अभी तेरा बैठ बैठ। अरे आ ना बैठ ना बैठ। क्या है? अबे ये सब छोड़, असली का मजा लेते हैं। क्या बोलता है? कैसे? वो सब मुझ पे छोड़, तुम ये बताओ तुम दोनों के पास पैसे कितने हैं? चलेगी? केशव तू कार में मजे ले, हम दोनों झाड़ियों में रोकर आते हैं। क्या हुआ? करंट लगा? पहली बार तेरा? सुना घर से पैसे चुरा के लाया गया मस्ती करने के लिए। बात बताओ तेरे अंदर ना मर्दानगी की कमी है। अबे चुप कर, हट। पुलिस पुलिस पुलिस। ये केस मुझे अभी भी याद है। स्नेहा लाल, उम्र कुछ 35 साल, ओपन एंड शट केस था। पंखे से लटक के सुसाइड की थी इसने। और हाँ, इसकी एक बेटी भी थी। उस बेटी ने हमें बताया था कि सुसाइड करने से पहले ये गुमसुम रहती थी, और सारे सबूत भी यही बता रहे थे। स्नेहा लाल के सुसाइड का इस बच्चे की मौत से क्या कनेक्शन हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बच्चा स्नेहा लाल का कोई रिश्तेदार हो? अभी ये बात तो सिर्फ स्नेहा की बेटी ही बता सकती है। उसका आखिरी एड्रेस है इस फाइल में। बोलो दुबे। सर टी शर्ट जिन जिन स्कूलों में बांटी गई थी, बच्चा उनमें से किसी से बिलोंग नहीं करता। समझ में नहीं आ रहा है कि उसको ये टी शर्ट मिली कहाँ से। हो सकता है ये बच्चा उन स्कूल्स का स्टूडेंट हो ही ना, कोई विजिटिंग स्टूडेंट हो। मतलब सर? कई बार स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में बच्चे एक स्कूल से दूसरे स्कूल में किसी इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए जाते हैं। हो सकता है ये बच्चा दिल्ली के किसी दूसरे स्कूल का स्टूडेंट हो, और वो इन स्कूल्स में जहाँ टी शर्ट बांटे गए थे किसी इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए गया हो, और वहाँ उसे ये टी शर्ट मिला हो। तुम एक काम करो दुबे, सभी स्कूल्स में पता करो। एक बार हमें उसके स्कूल का पता चल गया तो उसका एड्रेस भी मिल जाएगा। तब तक मैं स्नेहा की बेटी के बारे में पता लगाता हूँ। एक लड़की को देखो तो ऐसा लगा जैसे। अबे साले बैठे बैठे ताता रहेगा पूरी लाइफ, या जाकर बोलेगा भी पूरे 3 साल निकाल दिया आंखें सेक कर। सर स्नेहा की बेटी का एड्रेस चेक किया हमने, वो अब वहाँ नहीं रहती। पड़ोसी ने बताया कि शादी के बाद वो घर छोड़ के चली गई थी। तो उसका नया एड्रेस पता करो। ओके सर। हाँ दुबे। सर लिस्ट में जितने भी स्कूलों के नाम थे मैंने सबके एक्सचेंज स्टूडेंट्स की लिस्ट चेक कर ली, और मैंने बच्चे की फोटो क्रॉस चेक भी कर लिया है स्कूलों के स्टूडेंट्स विजिटिंग रिकॉर्ड्स में। फिर? सर बच्चा दिल्ली के किसी जेपी पब्लिक स्कूल से सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल आया हुआ था क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए। ये टी शर्ट भी उसे वहीं मिली थी। सर बच्चे का नाम? सर बच्चे का नाम मोहित है, और मैं उसके घर का एड्रेस पता लगाने के लिए उसके स्कूल ही जा रहा हूँ। ठीक है। ये तो हमारे स्टूडेंट है। मुझे इसका एड्रेस और इसके पेरेंट्स का कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए।
मोहित की डिटेल्स हैं, उसके घर का एड्रेस और उसके फादर का कॉन्टेक्ट नंबर। मुझे इसका जेरोक्स चाहिए। जी सर। क्या तब तक मैं मोहित के क्लासमेट से मिल सकता हूँ? जी सर। बेटा मोहित आप लोगों का दोस्त था ना? हाँ। अच्छा आप लोग बता सकते हैं मोहित कितने दिनों से नहीं आ रहा है? लगातार 6-7 दिन। बेटा तुम मोहित के बारे में कुछ बता सकती हो? बॉस कॉलेज का आखिरी दिन है, जाकर बोल दो फिर मौका नहीं मिलेगा हैं? रितिका। हाँ? वो ना मैं तुझे देखता था, देखता हूँ, मतलब कि देखता नहीं, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। एक मिनट, तुम्हें लाल रंग पसंद है ना, और मुझे तुम पसंद हो। Are you crazy? तुमने सोचा भी कैसे कि हम दोनों एक हो सकते हैं? शक्ल देखी तुमने अपनी? अरे तुझ जैसे को तो मैं अपने आसपास भी ना भटकने दूं। और सुन, दूर से ही देखते रहे, पास आने की औकात भी नहीं है तेरी। केशव की तमाम जिंदगी अपमान और तिरस्कार का एक लंबा सिलसिला बन गई थी। ना वो खुद अपनी समस्या को कभी ठीक से समझ पाया, ना किसी और ने ही उसके मसलों को हल करने की कोशिश की। जिंदगी के रास्तों पर चलते हुए केशव किसी का सामना नहीं कर पा रहा था कि एकाएक उसने अपना रास्ता ही बदल लिया। अलोक निरंजन। बच्चा तेरे माथे की लकीरें तेरे सितम बयां कर रही हैं। तू अपने पति से परेशान है ना? हाँ बाबा, उनका किसी और के साथ चक्कर चल रहा है, पर अब आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। हे भाई, और कुछ चाहिए क्या? आज रात एक और निपटने वाली है। ये बाबा एक नंबर का ढोंगी है, पाखंडी, औरतों को अपनी बातों में ऐसे फंसाता है कि पता ही नहीं चलता। चल भाई पैसे निकालना। बाबा आपको यकीन है इसके अलावा और कोई समाधान नहीं है? भरोसा रख बच्चा, तेरे इस कार्य से तेरे नवोग्रह शांत हो जाएंगे, और फिर तू अपने पति के लिए ये सब कर रही है। सुहाग के लिए, पति के लिए किया गया कार्य अपराध नहीं होता। अंदर आ जाओ बेटा। डरने की कोई जरूरत नहीं है, अंदर आ जाओ। बाबा ने बहुत तपस्या की है, बाबा की नजर चारों तरफ रहती है। बाबा मुझे ना आपका पग बना लो, क्योंकि जिंदगी की मुश्किल है ये औरतें और सेक्सी है। मुझे उन पर काबू पाना सिखा दीजिए बाबा, काबू पाना सिखा दीजिए बाबा। तथास्तु, आज से तुम हमारे भक्त हुए।
सर मोहित के स्कूल से जो एड्रेस मिला था ये वही घर है। पर यहां तो ताला है। केशव जी सॉरी, इन्हें हर थोड़ी देर में दवा देनी होती है, कैंसर ना फैले इसलिए डॉक्टर ने जुबान काट दी, इसलिए कभी कभी तकलीफ होती है तो दर्द की दवा देनी होती है। से आप कुछ कह रहे थे कि आपको मेरे बेटे की लाश मिली है कहीं सूटकेस में। अपने बेटे की मौत की खबर सुनकर कुछ खास अफसोस नहीं हुआ आपको? ये जरूरी तो नहीं कि हर इंसान के दर्द एक्सप्रेस करने का तरीका एक ही हो। मेरी माँ को देखिए, बोल नहीं सकती लेकिन अपनी आंखों से सारा दर्द बयां कर रही है। मोहित यही रहता था आपके साथ? मैंने कहा मोहित यही रहता था आपके साथ? नहीं, वो अपनी माँ के साथ रहता है, मधु मेरी एक्स वाइफ, डिवोर्स के बाद उसे अपने साथ ले गई थी। लेकिन स्कूल में तो एड्रेस यहीं का है, बदलना भूल गई होगी। आप मिलते रहते थे मोहित से? ज्यादा नहीं, महीने में एक बार, आखिरी बार यही कोई 20 दिन पहले मिला था। मधु का एड्रेस? बड़ा अजीब आदमी है केशव, ऐसा लग रहा था उसे अपने बेटे से प्यार ही नहीं है। सर कितने दिन हो गए इसके बच्चे को गायब हुए और इसको खबर तक नहीं। स्वरूप नगर का एड्रेस दिया उसने मधु का, हो सकता है मधु ने वहां में से कंप्लेंट लिखवाई हो। मैं उसे एरिया थाने में पता करता हूँ। सर इसकी जिम्मेदार भी तू है। एक बात और बताओ, वैसे तुझे पता तो चल ही गया होगा मैं तो तेरा गंदा बच्चा हूं ना, इसलिए ये दवा पेन किलर नहीं पानी था। हर बार दर्द में ही क्यों जानू? तू कैसे बोली, तेरी तो जबान ही कट गई है ना। यहाँ भी ताला है। Excuse me? जी। मधु यही रहती है ना? जी हाँ। कुछ आइडिया है कहाँ है वो? नहीं, ये लोग क्या करते हैं कहाँ जाते हैं हमें कुछ पता नहीं, इनसे दूरी बनाए रखते हैं हम। क्यों? क्या बताऊं साहब, दिन रात घर के अंदर से बच्चे के रोने की और मार पीट की आवाज आती रहती है, मुझे तो तरस आता है उसके बच्चे पे। कोई अपने बच्चे के साथ ऐसा करता है क्या? बड़ी अजीब औरत है ये मधु। मधु का मिलना बहुत जरूरी है, उसकी पड़ोसन की बातों से वही सस्पेक्ट लग रही है। सर मुझे भी ऐसा लगता है कि मधु का इस हत्या से कोई ना कोई। सर आप मेरे घर आए थे, जैसे मुझे पता चला मैं यहाँ चली आई। सर क्या हुआ? आप? सर मैं मधु, मेरी बेटी का क्या हुआ सर? पानी गर्म कर दिया मैंने, मैं बाहर जा रहा हूँ। अच्छी माँ हो ना तुम मेरी, नहा लेना नहीं तो बदबू आएगी तुमसे, ठीक है? आपकी पड़ोसन ने हमें बताया कि आपके घर से मारपीट और मोहित के रोने की बहुत आवाजें आती हैं, क्या ये सच है कि आप मोहित को मारती थी? हाँ ये सच है, लेकिन मुझे ऐसा करना पड़ता था उसे डिसिप्लिन सिखाने के लिए। वो अपने बिगड़े हुए बाप की संगत में आ रहा था, गंदे कामों में पड़ गया था वो। किस तरह के गंदे काम? मोहित क्या कर रहे हैं सब तुम? ये सब क्या मुझे तो पापा के सामान से मिली थी। अपने बाप की गंदी मैगजीन पढ़ रहा था वो। मैं मारती नहीं तो क्या करती सर? हाँ मेरे पास वो मैगजीन्स थी, किसके पास नहीं होती। मेरा बेटा क्यूरियस हो रहा था तो मैंने उसे एजुकेट करने की कोशिश की सेक्स एजुकेशन वीडियोस दिखा के। ध्यान से देख, बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिखा रहा हूँ तुझे।
और कोई सवाल हो तो बेझिझक पूछ, ठीक है? क्या कर रहे हो ये? अरे दिख लो ऐसे, दिख लो। अरे क्या कर रहे हो आप? मैं क्या कर सकता हूँ सर, मधु ने इसे भी गलत समझा। गलत तो उसने किया है मेरे साथ, ब्लडी वुमनाइजर। उसका घर मैंने कब का छोड़ दिया था, एक जगह नहीं छोड़ता था, वो ऑफिस घर पता नहीं। मोहित की जेब से हमें डायरी का पेज मिला है, आप बता सकती हैं स्नेहालाल कौन है और इसका मोहित से क्या कनेक्शन है? नहीं सर, मैं किसी स्नेहालाल को नहीं जानती। गंदी मां मत बनो, आराम से खाओ। मुंह खोलो, मुंह खोलो। हमारा बेटा मर चुका है। जानता हूँ। और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम मुझ पर कैसे इल्जाम लगा सकती? क्योंकि मेरा दिल जानता है कि कितने गंदे इंसान हो तुम। तुम्हारे बुरे कर्मों की वजह से मारा है मेरा बच्चा। तुझे क्या लगा सिर्फ तू ही थूक सकती है मुझ पर? करना सर, मैंने केशव के बयान की जांच कर ली है। जिस वक्त मर्डर हुआ वो समय अपने ऑफिस में ही था और मैंने उसके कॉल रिकॉर्ड्स भी चेक कर लिए। ऐसा कुछ हाथ नहीं लगा सर जिससे उस पर शक किया जा सके। सर मुझे तो लगता है कि उसका इस मर्डर में कोई हाथ नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है कि मोहित की हत्या केशव से बदला लेने के लिए की गई हो। मतलब सर? मधु बता रही थी कि केशव के बहुत सारे अफेयर्स रहे हैं। एक जगह नहीं छोड़ता था वो ऑफिस घर। हो सकता है केशव के किसी माशूका ने केशव से बदला लेने के लिए मोहित को मारा हो। 132? मजाक कर रहे हो क्या? 132 औरतों के साथ संबंध है तुम्हारा? हाँ, ये ऐसे हिसाब रखता हूं मैं, हर एक औरत के नाम की एक तीली। अरे वाह, अगर इतनी ही जल्दी मेरी कला सीखते रहे वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारे पास इतनी कन्याएं होंगी कि गिनती करना मुश्किल होगा। कोई मुश्किल ही नहीं होगी बाबा, क्योंकि गिनती तो मैं ही रखूंगा। और आज की गिनती एक। 132 औरतें? यस सर। ये पीस तो इसी डायरी का लग रहा है, हो ना हो ये केशव हमसे जरूर कुछ छुपा रहा है। दुबे सर, एक काम करो, इस डायरी में जितनी भी औरतों के नाम हैं सबके मोबाइल नंबर्स और एड्रेस निकालो। पता लगाने की कोशिश करो कि मर्डर के वक्त मधु के घर के आसपास कौन था। मैंने तो उनको झूठ बोल दिया कि क्या हुआ? अरे उनकी चिंता मत करो, तुम अंदर चलो। पर ये है कौन? अरे बताता हूँ ना, लेफ्ट बेडरूम। आप हमेशा मुझे रोकती थी ना, देखिए मैं कभी रुका ही नहीं। मेरी खोज अभी भी जारी है और ये सब आपके कर्मों का फल है। आपको हमेशा ऐसा लगता था ना कि मैं गंदा लड़का हूं, मुझे कभी कोई लड़की नहीं मिलेगी। 133वीं मेरे ऑफिस की एम्प्लॉई है, पढ़ी लिखी खूबसूरत, मैं इतना भी गंदा नहीं हूं। कभी सोचा था आपका बेटा इतना कामयाब होगा? घूर क्या रही है? हाँ, क्या घूर रही है? देखना चाहती है अंदर आके तेरा बेटा कितना होनहार है। नहीं, कुछ तो प्राइवेट रहने दे। केशव का यह विकृत रूप, यह हवस का खेल दरअसल उसकी मां के प्रति उसकी शिकायत थी। लेकिन मां न संकेत समझ पा रही थी और ना ही अपने बेटे का पुराना दर्द। उसे तो उसकी हर हरकत में सब कुछ गंदा ही नजर आ रहा था। ऐसे में यह विकृति कब अपराध का रुख कर गई कोई समझ ही नहीं पाया।
एक बच्चे की हत्या हो चुकी थी और मोटिव अब तक साफ नहीं था। लेकिन अतीत से एक नाम अब भी सामने आ रहा था, एक नाम जिसने पुलिस की तहकीकात को एक नई ही दिशा दे दी। सर, डायरी में जितने भी औरतों का नाम था मैंने सबकी लोकेशन चेक कर ली है। मर्डर के वक्त कोई भी केशव और मधु के घर के आसपास नहीं था, लेकिन एक अनोखी बात पता चली है सर। कैसी बात? सर, स्नेहा लाल की बेटी अंजलि इसी शहर में रहती है, वो भी अपने पति के साथ। और सर, स्नेहा के मरने के बाद भी केशव से उसकी लगातार बात होती रहती है फोन। आप लोग फिर से? स्नेहा लाल कौन थी? अफेयर था हमारा, काफी दिन चला, बाद में मालूम हुआ उसने सुसाइड कर लिया। तुम्हारी वजह से? नहीं, वो पहले से ही डिप्रेस थी। और उसकी बेटी अंजलि, उसके साथ टच में हो तुम? हाँ, उसकी शादी हो गई, खुश है वो। तुम्हारे बेटे के जेब से हमें एक पेपर मिला था, उस पर स्नेहा लाल का नाम लिखा था और उसका फेवरेट कलर रेड। मैं अपने बेटे से कुछ नहीं छुपाता, अपनी डायरी भी दिखाई थी उसे। अब उसने पेपर फाड़ा नहीं फाड़ा, क्या किया मुझे नहीं पता। हम सब पता लगा लेंगे, किसने फाड़ा, क्यों फाड़ा, सब पता चल जाएगा। चलो। बहुत दुख की बात है सर, जो कुछ भी मोहित के साथ हुआ मैं उसे जानती थी, एक दो बार हम लोग मिले भी। और केशव के साथ कैसा रिश्ता है आपका? केशव तो और भी अच्छे हैं, मम्मी की डेथ के बाद उन्होंने काफी हेल्प की है मेरी। जी सर, अब तक टच में हम लोगों के साथ, कभी कभी हालचाल भी पूछते रहते हैं। अंजलि, आपको कभी ऐसा लगा कि आपकी माँ स्नेहा की सुसाइड के लिए केशव जिम्मेदार है? नो सर, माँ हमेशा डिप्रेस रहती थी, उनमें सुसाइडल टेंडेंसीज थे। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू सर। अभी तक जितने भी लोग मिले हैं सबके मुंह से केशव की बुराई सुनी है, पर ये दोनों तो उल्टी कहानी सुना रहे हैं। या तो ये दोनों कुछ जानते हैं जो ये छुपा रहे हैं, या फिर ये दोनों सच बोल रहे हैं और बाकी सारी दुनिया झूठ बोल रही है। एक काम करो दुबे सर, इन दोनों के भी कॉल डिटेल्स निकालो, देखो कुछ सामने आता है। ठीक है सर। सर, मैंने अंजलि और उसके पति अश्मित के कॉल रिकॉर्ड चेक कर लिए हैं, मर्डर के समय दोनों घर पे ही थे। लेकिन सर, अंजलि के फोन से ज्यादातर कॉल्स केशव को गए हैं, रात दिन दोनों में खूब बातें होती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि अंजलि को भी केशव ने अपने जाल में फंसा लिया? केशव है? माँ जी, आप चाहें तो हमारी मदद कर सकती हैं। देखिए, आपके पोते के कातिल तक पहुंचने के लिए हमें आपकी मदद चाहिए। मैं जानता हूं आप बोल नहीं सकती, लेकिन हाँ या ना में सिर हिला के जवाब तो दे सकती हैं। आप घबराइए मत, मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, आप सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना। अंजलि और केशव का अफेयर है, सच सच बताइए माँ जी, आपके पोते के कातिल तक पहुंचने में आप ही हमारी मदद कर सकती हैं। प्लीज, अंजलि और केशव के बीच में कुछ था? सर, ये केशव तो बड़ा अजीब आदमी है, स्नेहा के साथ साथ उसकी शादीशुदा बेटी के साथ भी अफेयर। सर, मुझे ऐसा लगता है कि अश्मित को इन दोनों के अफेयर के बारे में मालूम चल गया होगा, और फिर केशव से बदला लेने के लिए उसने मोहित की जान ले ली। अब इसका जवाब तो वही देंगे, लेकर आओ। सर, अफेयर? नहीं सर, आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है, अंजलि का अफेयर नहीं हो सकता, बल्कि वो तो मुझसे बहुत प्यार करती है। पर हमें तो कुछ और पता चला है। सर, आपको कुछ गलत पता चला है, मुझे अंजलि पर पूरा भरोसा है। आपने एक शक के बेसिस पे मुझ पे इल्जाम लगाने यहां बुलाया? शक करना हमारा काम है अंजलि, और तुम्हारे अफेयर के बारे में हमें केशव की माँ ने खुद बताया है। तो फिर कीजिए शक, और कोई बात इसलिए सच नहीं हो जाती क्योंकि उसे एक बूढ़ी औरत ने कहा है। जिस दिन आपके पास मेरे अगेंस्ट में कोई पुख्ता सबूत हो,
आ जाइएगा, मुझे अरेस्ट करने। हेलो, सर इसके वॉलेट में पैसा भी है और मोबाइल भी। इसका मतलब कि मोटिव चोरी चकारी का नहीं था, किसी ने बदले की भावना से मारा इसे। अगर रास्ते में कोई सीसीटीवी है तो उसकी फुटेज निकलवाओ फौरन। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ और इसकी बीवी मधु को इन्फॉर्म करो। ठीक है सर। जिंदगी की तमाम जिल्लतें झेलते हुए केशव इस दुनिया से कूच कर गया, लेकिन उसके जाने में एक हत्या का रहस्य हल होने की बजाय खुद केशव की हत्या ही अपने आप में एक सवाल बनकर खड़ी हो गई। केशव को कौन मार सकता है? सर केशव के संबंध में तो सस्पेक्ट्स की लिस्ट बहुत लंबी होगी, न जाने कितनी औरतें होंगी जो उसे मरा हुआ देखना चाहती होंगी। लेकिन सवाल ये उठता है दुबे कि केशव और मोहित का कातिल कोई एक है या दो अलग हैं? सर मधु को हर जगह ढूंढ लिया, वो कहीं नहीं मिली। नहीं मिली? नहीं सर। कहीं ऐसा तो नहीं कि मधु ने ही केशव को मारा उसके बाद गायब हो गई? अगर ऐसा है तो जरूर किसी दोस्त या रिश्तेदार के घर छुप के बैठी होगी। तलाश जारी रखो, पता करो कहां जा सकती है। सर सीसीटीवी को फुटेज आ गई। यही कातिल है। नफरत करती थी मैं उससे, बेटा था तो क्या, कलंक था वो, पर और बर्दाश्त नहीं होता था और जी नहीं सकती थी मैं इस कलंक के साथ। मैंने उसकी चाय में अपनी नींद की गोलियां मिला दी, सोचा था जब बेहोश हो जाएगा तो घर में ही खत्म कर दूंगी उसे, लेकिन दवा का असर होने में समय लगा और वो घर से निकल गया। फिर मैंने उसका पीछा किया। मैंने इस पाप को पैदा किया था तो इसको खत्म करने की जिम्मेदारी भी मेरी ही थी। अगर आपने सही परवरिश की होती तो ये नौबत ही नहीं आती, ना वो ऐसा बनता, ना उसे खत्म करने की जरूरत होती। अब ये बताइए मोहित को क्यों मारा? सच सच बताइए मोहित को क्यों मारा? केशव का मर्डर तो सॉल्व हो गया, पर मोहित उसे किसने मारा? सर मधु अभी भी गायब है, कहीं ऐसा तो नहीं मधु ने भी अपने बेटे को मार दिया जैसे सारिका ने केशव को मारा? सर मधु मिल गई है, अपनी एक दोस्त के घर पे थी। मैंने कहा ना आपसे, मैंने उसे नहीं मारा है। पर उसकी वजह से तुम्हें शर्मिंदगी तो होती थी ना, और इसी वजह से तुम उसे पीटती भी थी। हाँ, नफरत थी मुझे उसे। रोज कंप्लेन आती थी उसके स्कूल से, पड़ोस से, सब जगह से। शर्मिंदगी होती थी मुझे, मारती थी मैं उसे, पीटती थी, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा है। किस तरह की कंप्लेंट्स आती थी मोहित की? हाँ बेटा ला मुझे। कैसा रहा स्कूल में? अच्छा गया देव। हाँ चलो बैठो वहां से। हाँ अमर श्रीवास्तव जी, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा पुलिस स्टेशन। अमर श्रीवास्तव, जब तुम्हारे कॉल डिटेल्स देखे तो हमारे सामने तो एक अलग ही कहानी आई। 21 अप्रैल को 3 और 4 के बीच तुम्हारे फोन की लोकेशन मोहित के घर के आसपास की थी, और शाम 5 बजे तुम्हारे फोन की लोकेशन एग्जैक्टली उस जगह की थी जहां से हमें मोहित की लाश मिली थी। अब इस कोइंसिडेंस की डिटेल्स तुम हमें दोगे या मैं अपने तरीके से पूछूं? मैंने ही मारा था मोहित को। क्यों, क्या किया था उसने? मेरी बेटी का जीना हराम कर दिया था उसने। स्नेहा, तुम गर्ल्स टॉयलेट में क्या कर रहे हो? तुम्हें लाल रंग पसंद है ना? हाँ। मुझे पता था, क्योंकि मैं पापा की गर्लफ्रेंड स्नेहा लाल को भी लाल रंग पसंद था। ये देखो, इसलिए मैं हमेशा ये पर्ची अपने साथ रखता हूँ। स्नेहा, 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 तुम तो मेरी गर्लफ्रेंड हो ना,
ये देखो तुम तो मिले ऐसे कपड़े पहनोगी ना। स्कूल में उसने मेरी बेटी का जीना मुश्किल कर दिया था। क्लास में, वॉशरूम में कहीं नहीं छोड़ता था उसे। वो बहुत ही हंसमुख और चुलबुली लड़की थी, लेकिन इस मोहित की घटिया हरकतों की वजह से वो डर डर के रहने लगी थी। हंसना तो जैसे वो भूल ही गई थी। पर जब मैंने इस बात को नोटिस किया तो मैंने जोर देकर उससे पूछा, स्नेहा क्या हुआ बेटा? पापा। उसने मुझे मोहित का नाम बताया, फिर मैंने ये बात उसकी माँ से भी कही, शिकायत की उसकी माँ से, पर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। उसकी हरकतों से मैं समझ गया कि ये बातों से मानने वाला नहीं, और फिर मैंने डिसाइड किया कि इसे मारना ही होगा। कैसे मारा मोहित को? मैंने बहाने से उसे अपनी बेटी से मिलने के लिए बुलाया। मैंने उसे रास्ते भर में बहुत समझाने की कोशिश की, शायद वो मान जाए, पर मुझे पता लग गया था कि वो मानने वाला नहीं। मैं पूरी तैयारी के साथ आया था। मैंने वहीं उसका गला दबाया और तब तक दबाता रहा जब तक कि वो मर नहीं गया। और फिर मैंने उसे सूटकेस में डाल दिया, और जैसे ही मैं सूटकेस बंद कर रखा था मुझे पता चला कि वो अभी मरा नहीं है। बस मैं फौरन गाड़ी में पीछे गया, पाना निकाला और लाकर उसके सर पे मार 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 के खत्म कर दिया उसे। फिर मैंने सूटकेस को बंद किया और सुनसान जगह पे ले जाके फेंक दिया। क्या हासिल हुआ उसे मारकर? तुम कानून की मदद ले सकते थे, किसी एनजीओ की मदद ले सकते थे, लेकिन कानून को अपने हाथ में लेकर तुमने एक मां से उसका बेटा छीन लिया और अपनी खुद की बेटी से उसका बाप। बचपन से किशोर अवस्था में कदम रखना एक नेचुरल प्रोसेस है, और सिर्फ इंसान ही नहीं, इस संसार के हर जीव के साथ ऐसा ही होता है। शरीर और सोच दोनों में बदलाव आते हैं जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता, लेकिन अफसोस के इस संसार का सबसे समझदार जीव इंसान इसके बारे में चर्चा और बातचीत को एक हवा और शर्मनाक चीज बनाए हुए है। जबकि ये विषय भी परवरिश का ही एक हिस्सा है। हमें ये समझना चाहिए कि सवाल को दबाने से हल नहीं मिलते, गुस्से से कभी कोई मसला हल नहीं होता, बल्कि जिज्ञासा बढ़ती है, और अगर उस वक्त सही परवरिश और मार्गदर्शन ना मिले तो यही हश्र होता है जो केशव और उसके परिवार के साथ हुआ। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100, सबक 1 को सीख हम सबको। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।